नागिन 3 के खत्म होने के बाद अब सभी को नागिन 4 का इंतजार है। ऐसे में नागिन 3 के खत्म होते ही एकता कपूर ने इस सुपर नेचुरल सीरियल के चौथे सीजन की घोषणा कर दी थी और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार अनीता हसनंदानी को छोड़कर फिर से शो की पूरी स्टारकास्ट बदल जाएगी। जी हाँ, वही खबरें थी कि नागिन 4 में अनीता हसनंदानी विलेन का किरदार निभाती नजर आने वाली है, जो कि नागमणि को पाने के पीछे पागल है। इसी के साथ जब आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि इस बार पिछले सीजन से एक और विलेन अनीता हसनंदानी का साथ देता नजर आने वाला है। जी हाँ, मिली खबरों के मुताबिक नागिन 4 में अनीता के साथ नजर आएंगी कृष्णा मुखर्जी। कृष्णा मुखर्जी को आप सभी ने नागिन 3 में तामसी के रूप में देखा था और हाल ही में एक रिपोर्ट की माने तो नागिन के सीजन 4 में भी तामसी यानी कृष्णा मुखर्जी की वापसी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वहीं जब बात करें नागिन 3 के फिनाले की तो उसमें बेला ने तामसी को जान से मार दिया था, लेकिन अब वो तामसी नागिन 4 में आने वाली है और बदला लेने वाली है। नागिन 4 में नागमणि पाने में तामसी अपनी माँ विशाखा की मदद करती नजर आने वाली है। आपको पता होगा कि तामसी विशाखा और हुकुम की बेटी है जो कि बुरी ताकतों की मालकिन है और ऐसे में नागिन 4 में तामसी नई नागरानी के चारों खाने चित करते नजर आने वाली है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट गॉसिप्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए फिल्मी पंचायत।